सफेद पेठे का जूस पीने से शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। सफेद पेठा, ये एक ऐसी सब्जी है जिसकी तो मिठाई तो बनती है, क्योंकि आगरे का पेठे के बारे में तो आप सब जानते हैं, ये इसी से बनता है। लेकिन ये 12 महीने मिलने वाला पेठा है, इसे कद्दू भी बोलते हैं, अंग्रेजी में एस गार्ड बोलते हैं। इसका जूस शारीरिक लाभ तो देता ही है, लेकिन साथ साथ आपकी बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाता है। और ये वैसे तो 12 महीने मिलता है सर्दियों में, हालांकि बहुत सारी सब्जियां आती हैं जिनका हम जूस पी सकते हैं और उससे हमको लाभ भी मिलता है, लेकिन इसका कुछ लाभ मैं आपको अलग से बताती हूँ कि आपको क्या क्या मिल सकता है। इसको हालांकि पीने का तरीका है कि सुबह खाली पेट पिया जाए तो इसका ज़्यादा लाभ है। सफ़ेद कद्दू का आप एक टुकड़ा काट लें और उसको फिर पहले धो लें और उसको काट लें, छीलने की ज़रूरत नहीं है, और मिक्सर में छोटे टुकड़े करके डाल के आप उसमें थोड़ा सा पानी डालें, बहुत थोड़ा सा, और चला लें। अब चाहे तो उसको वैसे ही पी लें और या फिर उसे छान के पी लें। और जब आप इस जूस को सुबह सुबह पिएंगे 1 सप्ताह तक, तो 1 सप्ताह के बाद आपको अपने अंदर जो अंतर समझ में आएगा वो आप खुद पीने के बाद समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि एक तो सुबह सुबह पीने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, ये एक मन की स्थिति को शांत कर देता है, तनाव मुक्त कर देता है। तो सुबह पीने से एक तो आप शांत रहेंगे, तो अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम दे पाएंगे, और दूसरा, अगर आपको अल्सर की समस्या है तो इस जूस को जरूर पिए, अल्सर की समस्या से ही आपको ठीक करेगा, दूर करेगा। तीसरा, अगर आपको एसिडिटी है तो एसिडिटी के लिए तो रामबाण है, आप कुछ दिन पिएंगे एसिडिटी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन जिन कारणों से एसिडिटी हो रही है, कारण तो आपको हर जब भी कोई बीमारी को ठीक करना होता है, इससे इसको पीने से बिना दवा के ही ठीक होगा, ये दवा का ही काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जिन कारणों से हो रहा है उन कारणों को तो दूर करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो कब्ज की समस्या से भी यह राहत दिलाएगा। सुबह पिएंगे तो आप देखेंगे कि अगले दिन आपका पेट समय पर साफ हो रहा है। हो सकता है एक बार में नहीं हो, 2-3 दिन में अच्छी तरीके से होने लगेगा। अगर आपको डाइजेशन की समस्या है, पाइल्स है, तो ये उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। आप देख रहे हैं ना, एक बार सुबह जूस पीने से आपको, अगर मैंने बोला स्मूदी की तरह पिएंगे तो कब्ज तो दूर होगी होगी, कब्ज दूर होगी तो पाइल्स भी दूर हो जाएगा, डाइजेशन सुधर जाएगा आपका, और किडनी में, किडनी को तो किसी भी तरह की बीमारियों से बचाने में सक्षम भी है अगर आप सुबह पीते हैं तो। और अगर शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको भी ये दूर करता है। आप देख रहे हैं एक के बाद कितने सारे लाभ हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये ठीक रखता है और ब्लड में ग्लूकोज को भी ये कंट्रोल करता है। इतने सारे इसके लाभ हैं, और इसके, और इसको आप पीते हैं सुबह, उसके बाद दिन में अपनी डाइट को ठीक तरीके से फल सब्जियों के ऊपर भी रखते हैं थोड़ा अधिक, और उसके बाद योगा करते हैं, तो आपका वेट लॉस तो बहुत आसानी से होने लगेगा। तो आपने देखा कि एक बार सुबह इसको पीने से आपको कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसे ज़रूर पिए। और इसके, मैंने बोला कि शारीरिक लाभ तो है, लेकिन जो बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता तो हर किसी को चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, तो ज़रूर बच्चों को भी दें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको सर्दी जुकाम की शिकायत बनी रहती है तो उनके लिए एक कुछ खास तरीका है कि इस जूस को कैसे पिएंगे। एक तो इस जूस को पीने से पहले इसमें शहद और काली मिर्च मिलाएं, लेकिन साथ ही मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ, ये तो तब भी मिलाना पड़ेगा। आप किसी, जिस एक ऐसा बर्तन लें जिसे आप गैस पर बिना कुछ डाले खाली बर्तन चढ़ा दें, गैस के ऊपर तेज गैस पर खाली बर्तन रख दें, उसमें कुछ भी नहीं डालें,
5 मिनट के बाद वो बर्तन बहुत तेज गर्म हो जाएगा, तो गैस को ऑफ कर दें। अब उस बर्तन को गैस से अलग हटा लें बंद करने के बाद भी, और जो जूस निकाला है उस बर्तन में जैसे ही डालेंगे तो छन से आवाज करेगा, बस तुरंत का तुरंत उसको आप कप में निकाल लें और शहद और काली मिर्च निकाल के पी लें। अब ये आपको ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे तो इसकी जो प्रकृति है वो ठंड वाली है, और अगर आप सर्दी में पियेंगे तो सर्दी तो लगेगी, लेकिन हाँ जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से पियेंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, कफ नहीं बनेगा। बस करना यही है कि जब जूस निकल जाए तो एक खाली बर्तन को तेज गैस पे रख दे 5 मिनट के लिए, वो बर्तन बहुत तेज गर्म हो जाएगा, गैस बंद कर दे। बस उसको गैस से बर्तन को साइड में उतार ले और उसमें सीधा जूस डालेंगे, जैसे ही डालेंगे तो बहुत तेज छन करके आवाज करेगा, बस तुरंत का तुरंत उसको कप में निकाल लें जूस को, उसमें छोड़ना नहीं है, अपन को बहुत कुछ गर्म बहुत नहीं करना है, बस उसकी ठंडी प्रकृति को मारना है। अब इसमें आप आराम से शहद और काली मिर्च डालें और उसको पी लें, बाकी लोग ऐसे ही पी सकते हैं। तो आपने काली मिर्च बस एक चुटकी डालना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा डालना, क्योंकि जिनको पाइल्स है अल्सर है तो उनको ज़्यादा मात्रा में तो नुकसान करेगा, शहद नहीं करेगा, शहद हर किसी को फायदा, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज भी शहद डाल के इस जूस को नहीं पियेंगे। तो आपने देखा इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स है। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।